अनाद से अनहद नाद की ओर चलें। अपने भीतर की आंख से कनेक्टेड रहना, हम सबको पूरा अधिकार है हक है भीतर देखने का। सबके पास पोटेंशियल है, सक्षमता बराबर है देखने की। हम सबके पास बराबर थर्ड आई है, किसी ने उसको उजागर किया तो शहनशाह हो गया, और किसी ने उसको इग्नोर किया तो भिखारी हो गया। लगातार कीप लुकिंग ऑन इनसाइड। बहुत सहज में, सरल साधारण रूप में, जैसे बाहर की ओर देखते हो, ठीक शांत मौन मुदित भाव में जागे जागे रहना। सब दिखाई देगा, क्या यूजफुल क्या यूजलेस, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, सारा टेलीविजन तेरे सामने, सारी प्रोजेक्शन होगी। तेरा चित्र भी कंप्यूटर, उतार देगा सारी प्रोजेक्शन को। घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, अपने आप को देखने की पूरी सक्षमता रखना। केवल देखना, देखना भूलना नहीं, देखना खो ना जाए, बार बार देखना, निर्मित करना। बार बार हम लॉस्ट हो जाते हैं, खो जाते हैं पास्ट और फ्यूचर की गलियों में। हम बार बार वापस लौटें अपने गलियारे में, अपने स्वभाव में, अपनी थर्ड आई में, अपने शिवनेत्र में, अपनी ट्रू नेचर में। हम कितना भी लॉस्ट हो जाएं, कितना भी खो जाएं, किंतु तुम बने रहना भीतर की ओर, बार बार निर्मित करना अपने जागरण को, अपनी होश को डिस्कवर करते चले जाना, तुम इन्वेंट करते चले जाना, पुनः पुनः आप जागना। ये प्रोसेस मेडिटेशन का एक दिन तुझको पूरी तरह से जगा देगा। ये प्रोसेस है, प्रैक्टिस नहीं है। कभी आप माइंड में खो जाते हैं, कभी आप माइंड से हट जाते हैं, हटते हटते एक दिन तुम हार्दिक हो जाओगे, ये स्वतः हो जाएगा अगर तुम बने रहोगे भीतर की ओर। आदतवश हम बार बार माइंड के हाथ लगते हैं, परंतु ये आदतें टूटती चली जाती हैं, स्वतः टूटती हैं। जब तुम्हारी प्रायोरिटी, तुम्हारी प्यास अपने को देखने की, अपने को जानने की, अपने को पहचानने की, अपने अंधेरे दूर करके हेल्दी हैप्पी होकर के जीने की प्यास, अनलाइटेंड होकर के जीने का दर्द अगर थोड़ा सा भी पिरोया, तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुखपूर्ण नहीं बना सकेगी। दुनिया की कोई ताकत तुझको रुला नहीं सकेगी। कोई क्राइसिस, कोई भी फ्यूचर की इनसिक्योरिटी तुम्हें छू नहीं सकेगी। वर्तमान ही वर्तमान, और तुम विराट, ये संभावना है पूरी, ये सपना नहीं है। ये पॉसिबिलिटी, ये पोटेंशियल हम सबके पास बराबर है, किंतु हमने कभी इसके ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपनी थर्ड आई को पूरी तरह इग्नोर किया, इसलिए मनोरोगी हृदय रोगी होकर के मर रहे हैं हम। बाहर की दौड़ रह गई, भीतर ठहरना रुकना रहना सदा के लिए बंद हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ये दुर्घटना भारत की भूमि पर घटित हुई है। हम शीघ्र से विदा करें, हम सुव्यवस्थित हो जाएं भीतर से, इंटेग्रेटेड हो जाएं भीतर से। स्कैटर नहीं जीना, इंटेग्रेटेड होके जीना। इंटीग्रेटेड बहुत शीघ्र आएगी ये स्टेट, घर थोड़ी खबर रखोगे अपनी। बी सिंसियर टू योर ओन सेल्फ। अंधेरों में नहीं जीना, प्रकाशमान होके जीना।
अपने स्वभाव में जीना। सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट, नॉट टू इंडल्ज इन इट। सिंपली वॉच, डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफिकेशन विद इट। Simply look, being a neutral energy, you simply watch. निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना, अपनी सुरति अपनी स्मृति जगाना, सुरति को महत्व देना। सुरति जगे तो तेरा सारा संसार आबाद हो जाएगा। सहस्रार के शिखर, सुपर साइंस के शिखर पूरी तरह एक्सप्लोर करना। तेरी द्वार पर पॉसिबिलिटी उतरी है, प्यास जगा, प्रायोरिटी उतार, अपने शिखरों पर जगमगा, बादशाह शहनशाह होकर के जी ले। कदाचित भी मन के हाथ नहीं लगना, मन भिखारी है, भिखारी बना देगा, बना ही दिया है उसने। मालिक होकर के जीना तेरा धर्म है। नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। यू आर ए नॉन डूअर एंटिटी, तुम अपने स्वभाव में रहना। माइंड की डूइंग्स में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना, इंडल्ज नहीं होना, न्यूट्रल रहना, निष्पक्ष रहना। ना अच्छा कहना ना बुरा कहना, आप तरीक मात्र कोई चुनाव भी मत करना, केवल निष्पक्ष होके देखते रहना। ओंकार आमीन आमन। सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मरे जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। जिनके लिए मरते रहता हो, जिन पे कुर्बान रहता हो, सारा जन्म सारे सांस सारी जवानी जिनके ऊपर कुर्बान कर देता हो, वह तो चौथा करके तुझे सदा के लिए भूल जाता है। ज्यादा ज्यादा कोई ना कोई तेरहवीं करता है, और विरला ही कोई सतारहवीं करता है। उसके बाद सारी किताब बंद, कोई नहीं पूछेगा किन पे कुर्बान हो रहा हो, किन पे अपनी जन्म जवानी जिंदगी कुर्बान कर रहा हो, किन पे कर रहा हो। जो जीते जागते तुम्हारा कहना नहीं मानते, और अगर कोई कहना भी माने तो मोह ममतावश किस पे मर रहे हो, किन पे मर रहे हो, जो कभी किसी के हुए नहीं, कभी किसी के भी हुए नहीं। कितनी सस्ती जिंदगी जवानी बेच रहे हो, कितना कितना सस्ता कुर्बान हो रहा है अपने माइंड पे, माइंड के गुलाम, माइंड पे कुर्बान हो रहा है, माइंड को दे रहा है। और माइंड के हो, माइंड की इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं के द्वार पर जा रहे हैं हम ना जाने कहां कहां जा रहे हैं। मन की इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं,
बहुत गजब का गहरा सीक्रेट है यहाँ। हम पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ बाहर करते हैं तो मन राजी है, मन डिस्टर्ब नहीं करेगा, साथ तो देगा नहीं किंतु डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वो वहाँ भी नहीं है, तुम कर रहे हो फॉर्मेलिटीज पूरी निभा रहे हो, वहाँ भी नहीं किंतु फिर भी कर रहे हो पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ में मन लग जाए, ध्यान लग जाए तो मन आह नाच उठेगा, किंतु होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? मन राजी क्यों है? पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ में मन राजी किंतु मेडिटेशन में मन जरा राजी नहीं है, वो पल प्रति पल रिएक्ट कर रहा है, तनिक मात्र सहयोग नहीं देगा। अगर तुम भीतर प्रवेश करना चाहोगे अपने घर में अपनी मास्टरशिप में, 1% भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा, तनिक मात्र सहयोग नहीं देगा, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो तुझे बार बार आउट ऑफ रिएक्शन बाहर फेंकेगा, बाहर ही फेंकता चला जाएगा, वो तुझको बाहर बराबर बराबर पास्ट और फ्यूचर की रस्सियों में पूरी तरह से दबोचेगा। वो तनिक मात्र सहयोग नहीं देगा क्योंकि तुम चैलेंज दे रहे हो उसकी मास्टरशिप को, स्यूडो मास्टरशिप को, वो सहन नहीं करेगा। अगर तुम पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ कर रहे हो बाहर तो पूरा सहयोग देगा। क्यों? क्योंकि वो सहयोग इसलिए देगा, किस लिए देगा? इसलिए देगा कि तुम पूजा करते करते बाद में अपनी इच्छा कामना पूर्ति के लिए कह देते हो, वो मन की है, मन की इच्छा पूर्ति है, मन की इच्छा कामना है जिसके लिए तुम पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, जाप कर रहे हो। मन कहता है चलो मेरा ही काम कर रहे हैं तो मेरी ही इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, मैं इन पे कुर्बान, मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये तो मेरे लिए ही कर रहे हैं। पूजा किया बदले में संसार मांग लिया, पाठ किया बदले में संसार मांग लिया, सिमरन जाप किया हवन यज्ञ किया बाद में संसार मांग लिया। बदले में संसार मांगने का मतलब मन की कामनाओं की पूर्ति मांग लिया, मन की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं। हम बड़े बड़े शिखरों पर जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? भिखारी बन के जा रहे हैं, मन भिखारी। मन राजी है क्योंकि आप मन की इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, किंतु मेडिटेशन में उतरोगे तो एक पल के लिए मन लगेगा नहीं। तो लोग कहते हैं हम तो भजन कीर्तन कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है, हम तो कोई पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ कर लेंगे, हमें क्या जरूरत है। क्या पूजा पाठ सिमरन जाप नहीं पहुंचाता? पहुंचाता है, गैर तूने मालिक को रिझाने के लिए किया है, ना कि मन को रिझाने के लिए किया है। वो पुनः तुझे ध्यान में उड़ेल देगा, हर पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ आखिर ध्यान में तुझे डुबो देता है। अगर तूने प्रभु को चाहा, अगर तूने प्रभु को रिझाने की बात की तो पूजा पाठ सिमरन जाप हवन यज्ञ तुझको मंजिल पे पहुंचा देंगे। और अगर तूने मन की इच्छा पूर्ति के लिए किया तो ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मन राजी। मन तो चाहता ही है तेरी मौत होए और मैं दूसरा वस्त्र धारण करूं। ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना, क्लियर कट है यहां सीक्रेट, अच्छी तरह से जान लेना, भीतर उतर करके अपने भीतर की ओर थोड़ी आंख मोड़ के देखना हम किसके लिए कर रहे हैं। जो हमारा साथ देने वाले नहीं, हमारे कभी बनने वाले नहीं। माइंड इज ऑल्सो अदर, इसीलिए बहुत सुंदर इशारा किया है जागे पुरुषों ने, सावधान हो जा, जिस स्थिति में भी जिस भी हालात में है तो जिस भी अवस्था में है, अरे सावधान हो जा अपने भीतर की फिलॉसफी में, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। यूं ही बाहर बोलकर मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं, तू मेरी नहीं, मैं तेरा नहीं, यूं ही घर को नरक बनाने की कोशिश मत करना, ये तो भीतर की राह पर होता है। सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को।
कौन करता है, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कौन ओ माइंड पे लट्टू होने वालों, माइंड पे मरने वालों, माइंड की दुनिया पर कुर्बान होने वालों, कौन पूछेगा कौन करता है किसी को, कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है, जाग कर इस जिंदगी में अवसर चुकना नहीं। जाग कर इस जिंदगी में तो प्रभु को याद कर। जाग कर इस जिंदगी में, जाग कर इस तू प्रभु को याद कर। वरना कौन पूछेगा तुझे, नहीं तो कौन पूछेगा तुझे आखिर मर जाने के बाद। कौन पूछेगा तुझे जाग कर इस जिंदगी में। इसी जिंदगी में पोस्टपोन नहीं करना, अगले जन्म अगले जीवन की बात नहीं करना। अगला जन्म है ही नहीं, अगला जीवन उसको मिली नहीं, मिलता ही नहीं। जो इस जन्म की कदर नहीं करता उसको अगला जन्म मानुष चोला नहीं मिलता, गारंटी देता है। ऐसे फजूल के व्यर्थ की बातों में, भीतर के अंधों की बातों में मत आ जाना, नहीं मिलेगा, हजारों बरसों तक नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिले मौका उस मालिक को पुनः देने का तुझको। याद रख जिसने अपने इस जन्म की कदर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया इस जीवन की, इस जन्म की कीमत नहीं डाला, इस जीवन का महत्व नहीं जताया जनाया, ना ही इस जीवन की कीमत डाला, दोबारा नहीं मिलेगा, इतना सस्ता नहीं है यहाँ। जाग कर इस जिंदगी में तू प्रभु को याद कर, फिर जगाएगा न कोई तुझे, फिर जगाएगा न कोई अंत मर जाने के बाद। फिर जगाएगा न कोई अंत सो जाने के बाद, फिर जगाएगा न कोई अंत सो जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है, oh।
लाख कोशिश से मिला था। लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। देवी देवताओं को भी जो नसीब नहीं होता वो मानुष चोला तुझको कितना सहज में मिल गया। अरे कितना सहज में पा लिया तूने, जो देवी देवताओं को नसीब नहीं वह तुझे मिल गया। अवसर मिला सो अवसर मिला वैकुंठ में उतरने का। जो स्वर्ग में बैठे देवी देवताओं को भी स्वयं भगवान राम कहते हैं, गुरु की भाषा कहते हैं। बड़े भाग्य मान उस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाए न जही परलोक संवारा। मन के पार परलोक मीन मन के पार, कहीं मरने के बाद नहीं, मन के पार परलोक वैकुंठ। सहस्रार के शिखर राज्य चक्कर वैकुंठ, थर्ड आई का प्रवेश। लाख कोशिश से मिला है तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला था कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। खो दिया तूने ये हीरा, खो दिया तूने, खो दिया, खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद खो दिया तूने ये हीरा। मन के हाथों लग जाने के बाद खो दिया तूने ये हीरा। विषयों में जाने के बाद एक परवानी ने जल कर अपनी मंजिल अपनी क्षमा पे कुर्बान होने में। कभी परवाने ने पूछा नहीं कि मेरा क्या बनेगा, मेरा कितना नाम चमकेगा, मैं कितना आबाद हो जाऊंगा। और क्षमा पे कुर्बान होने वाले, मालिक पे कुर्बान होने वाले पतंगे परवाने प्यासे दीवाने। इस बात की परवाह नहीं करते, चीफ पॉपुलैरिटी की परवाह नहीं करते। एक परवानी ने जल कर ये कभी सोचा नहीं। एक परवानी ने जल कर यह कभी सोचा नहीं। क्या वो ईश्वर भक्त है, चाहे वो देश भक्त है, जब कदम उठ गए अपनी माँ की ओर, अपनी ईश्वर रूपी माँ की ओर, भारत माँ की ओर, जब कदम उठ गए कुर्बानी गए तो माइंड बीच में नहीं आने दिया, माइंड को बीच में नहीं आने दिया। भरपूर हृदय लेकर के चल पड़े और सारी दुनिया में छा गए। उन्होंने कभी चाहा नहीं था फिर भी सारी दुनिया में छा गए।
एक परवानी में जलकर ये कभी सोचा नहीं, कौन करेगा याद मुझे, कौन करेगा याद उसे, शम्मा पे कुर्बान हो जाने के बाद कौन करेगा याद मुझे को, शम्मा जले जाने के बाद कौन रोकेगा मुझे को, कौन टोकेगा मुझे को, कौन रोक सकेगा मुझे को, शम्मा जले जाने के बाद कौन रोकेगा मुझे को, शम्मा जले जाने के बाद कौन रोकेगा मुझे को, कौन पूछेगा मुझको, कोई पूछ नहीं सकेगा, ये मेरा परम डिटर्मिनेशन है परवाना का। इतना रोकना तो लग रहा, पूछने की भी हिम्मत किसी की नहीं होगी। घर शमा जल गए, शमा जल गई, पता चला परवाने को। ये है जिंदगी की कीमत, ये है जीवन की कीमत, चुकाना तेरा धर्म, यूं ही सस्ता बेच देना तेरा कोई अधिकार नहीं। जीते जी तो मनवा उकबा छोड़ दे, जिंदगी के जीते जी तो मनवा उकबा छोड़ दे, वरना वरना अगर ऐसा कदम तेरे से ना उठा तो क्या होगा, वरना छोड़ आएंगे सभी, छोड़ जाएंगे सभी, छोड़ जाएंगे सभी, तुझको मर जाने के बाद छोड़ आएंगे, सब संसार में जोड़ आएंगे, सब जंगल में छोड़ आएंगे, आग लगा देंगे, छोड़ आएंगे सभी, तुझको मर जाने के बाद छोड़ आएंगे सभी, तुझको मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई याद, मर जाने के बाद कौन करता है किसी को, याद मर जाने के बाद सूंघता कोई